हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं मल्टीफाइल सी प्रोग्राम की। इसमें हमने एक सी प्रोग्राम बनाया हुआ है जो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसी सी प्रोग्राम को मल्टीफाइल्स पे बनाते हैं। तो फर्स्ट वी राइट सी प्रोग्राम दैट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स विच कॉजेज द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज विद इन ए स्पेसिफाइड इंटरवल। ठीक है, सी प्रोग्राम टू सर्च फॉर ए मैक्सिमम इन मैक्सिमम इन मल्टीफाइल्स यानी कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है, वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। इसमें ये एक्स कॉस एक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को, विद इन ए स्पेसिफाइड इंटरवल। एक स्पेसिफाइड इंटरवल में इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो अब इसको देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि ये प्रोग्राम जो है हम तीन फाइलों में बनाएंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने ये प्रोग्राम बनाया था तो वो तो हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया था और एक फाइल में उसको बना दिया था। आज इसी प्रोग्राम को हम लोग तीन फाइल्स में बनाएंगे। ठीक है, एंड द रिक्वायर्ड फंक्शन विल बी प्लेस्ड इन सेपरेट थ्री फाइल्स। अब देखिए, फर्स्ट फाइल में क्या होगा कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट फाइल। फर्स्ट फाइल में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे कमेंट लाइन लिखा, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ए फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ए फंक्शन विद इन ए स्पेसिफाइड इंटरवल, विद इन ए स्पेसिफाइड इंटरवल। किसी स्पेसिफाइड इंटरवल में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उस फंक्शन की। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने डिक्लेयर कर दिया ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हमने कहा इंक्लूड stdio.h, इस फाइल को इंक्लूड किया प्रोग्राम में। ठीक, उसके बाद जो भी एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं और एक्सटर्नल फंक्शन है उनके प्रोटोटाइप को हम डिक्लेयर करेंगे। तो पहले हम एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन देते हैं, तो हमने यहाँ डिक्लेयर किया डबल और वेरिएबल ले लिया हमने ए बी एक्सएल एक्सआर फिर वाई एल वाई आर और सी एन एस टी। इसकी हमने वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी 0.0001। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक्सटर्नल वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यहाँ आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन, वेरिएबल डेफिनेशन, ये हमने एक्सटर्नल वेरिएबल को यहाँ डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद जो भी फंक्शन यूज होने हैं तो उनको उनका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करिए। तो यहाँ हमने लिखा एक्सटर्न वॉइड, एक फंक्शन लिया हमने रिड्यूस के नाम से, रिड्यूस और वॉइड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल फंक्शन प्रोटोटाइप, ये हो गया एक्सटर्नल फंक्शन प्रोटोटाइप, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। और जो दूसरा फंक्शन यूज होना है प्रोग्राम में उसको भी यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, एक्सटर्न डबल। अब यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया एक्सटर्न
फिर डाटा टाइप हमने लिखा डबल, और फिर हमने लिखा फंक्शन का नाम कर्व, और इसका आर्गुमेंट लिख दिया डबल और एक्सेल। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल फंक्शन प्रोटोटाइप, ये हो गया एक्सटर्नल फंक्शन प्रोटोटाइप, ये भी डिक्लेयर कर दिया हमने। अब इसके बाद यहां से मेन शुरू किया, मेन के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए डबल एक्स मैक्स और वाई मैक्स। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा रीड इनपुट डाटा इंटरवल एंड पॉइंट्स। अब क्या करेंगे, रीड इनपुट डाटा यानी कि इंटरवल के जो एंड पॉइंट है, इंटरवल एंड पॉइंट्स, इसको हमने यहाँ पे रीड करेंगे। तो रीड का मतलब, करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा इंटरवल है ए और बी के बीच में, ए और बी, तो ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो हमने लिखा प्रिंट एफ स्लैश एन ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू एंटर कर दिया तो स्कैन एफ परसेंटेज एल एफ एम परसेंट ए, ये हो गया। अब उसके बाद ऐसे ही हम बी की वैल्यू इनपुट करेंगे तो हो जाएगा प्रिंट एफ b इक्वल टू हो जाएगा स्कैन एफ परसेंटेज एल एफ और एम परसेंट बी। यहाँ पे क्या हुआ, ये a और b की वैल्यू एंटर हो गई। अब इंटरवल को जो हमें छोटा करते जाना है, भाई कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि ये a और b है, ठीक है। अब उसमें जहाँ पे जिधर साइड में y की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो जो दूसरा वाला साइड है उसको हम लोग हटा देते थे, तो उसके लिए जो हम लूप चलाएंगे वो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरवल रिडक्शन लूप। यहाँ हमने लिखा इंटरवल रिडक्शन लूप, ठीक है। अब ये देखिए ये लूप क्या करेगा, डू यहां पे हमने रिड्यूस फंक्शन कॉल किया, रिड्यूस कब तक, वाइल जब तक कि वाई एल इज नॉट इक्वल टू वाई आर हो जाए, एंड b माइनस ए ग्रेटर देन 3 इंटू सी एन एस टी, जब तक ये ना हो जाए तब तक आप जो है ये रिड्यूस फंक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब रिड्यूस फंक्शन क्या है, इसको हम दूसरी फाइल में एक्सप्लेन डिफाइन करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जब ये काम होने के बाद हमारे पास रिड्यूस होके इंटरवल आ जाएगा तो हम कैलकुलेट करेंगे एक्स मैक्स और वाई मैक्स। तो हमने फिर यहाँ पे कमेंट लाइन में आपको समझाया कि कैलकुलेट एक्स मैक्स एंड वाई मैक्स, एक्स मैक्स और वाई मैक्स को कैलकुलेट करेंगे
एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेंगे। तो एक्स मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स मैक्स इज इक्वल टू आ गया 0.5 इंटू एक्सएल प्लस एक्सआर, ये आ गया आपका एक्स मैक्स। और वाई मैक्स क्या आ जाएगा, वाई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, कर्व फंक्शन को हम कॉल करेंगे यहाँ पे किसके लिए, एक्स मैक्स के लिए। और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो हम प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ मैक्स इज इक्वल टू आ गया परसेंटेज 8.6 एल एफ, फिर वाई मैक्स आ जाएगा हमारा फिर से परसेंटेज 8.6 एल एफ, और कोर्स क्लोज करके यहाँ पे हम एक्स मैक्स दे देंगे और वाई मैक्स दे देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा एक्स मैक्स की वैल्यू भी आ जाएगी और वाई मैक्स की वैल्यू भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये देखिए, ये सारा जो है मेन फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे किसमें, पहली फाइल में। अब आ जाइए दूसरी फाइल में, तो दूसरी फाइल में हम रिड्यूस फंक्शन जो ये जो हमने यूज़ किया ये डिफाइन करेंगे, और तीसरी फाइल में जो कर्व फंक्शन यूज़ किया हमने वो डिफाइन करेंगे। तो अब सेकेंड फाइल में क्या होगा वो आप लिख लीजिए यहाँ पे, सेकेंड फाइल, ठीक है। अब इसमें हमने फिर से कमेंट लाइन शुरू किया, हमने लिखा इंटरवल रिडक्शन रूटीन, इंटरवल रिडक्शन रूटीन, ये तो कमेंट लाइन यूजर के समझने के लिए लिख दिया गया है। अब उसके बाद एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, एक्सटर्नल फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सटर्न डबल और ए बी एक्सएल वाई एल एक्स आर वाई आर और सी एन एस टी। तो ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक। उसके बाद एक्सटर्नल फंक्शन प्रोटोटाइप यहाँ डिक्लेयर करेंगे, तो हम लिखेंगे एक्सटर्न, फिर हमने लिखा डबल, फिर हमने लिखा कर्व, और कर्व किसके लिए कॉल करेंगे, डबल ऑफ एक्सेल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल फंक्शन प्रोटोटाइप, दिस इज, इसको समझते चलिएगा, जो एक्सटर्नल वेरिएबल आपको पढ़ाया है और उसको एक्सटर्नल फंक्शन जो प्रोटोटाइप बताया है आपको, वो सब इससे क्लियर होता चलेगा। तो ये हो जाएगा प्रोटोटाइप, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप एक्सटर्नल फंक्शन को डिफाइन कीजिए यहाँ पे। तो आपने यहाँ लिखा एक्सटर्न वॉइड रिड्यूस और void, और फिर फंक्शन की बॉडी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्या है, ये एक तरह से है आपका एक्सटर्नल फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। अब एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू हो गया ए प्लस 0.5
इनटू बी माइनस ए माइनस सी एन एस टी, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, एक्सेल की। एक्स आर क्या हो जाएगा, एक्स आर हो जाएगा एक्सेल प्लस सी एन एस टी, ठीक है। अब वाई एल की वैल्यू निकालेंगे तो वाई एल इज इक्वल टू हो जाएगा, कर्व फंक्शन को हम कॉल करेंगे किसके लिए, एक्सेल के लिए, ठीक है। सिमिलरली वाई आर की वैल्यू निकालेंगे, कर्व फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे एक्स आर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे कि इफ वाई एल इज ग्रेटर देन वाई आर, यानी लेफ्ट साइड में वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो हमें क्या करना है, तो हमें मान लीजिए हमने ब्रैकेट लगाया, समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं, हमें लेफ्ट इंटरवल रखना है, तो हम लिखेंगे रिटेन लेफ्ट इंटरवल। तो लेफ्ट इंटरवल को रखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स आर को बी बनाना होगा और रिटर्न कर जाएंगे हम, ठीक है। ये तो हो गया जब इफ वाई एल इज ग्रेटर देन वाई आर, फिर हमने दिया इफ वाई एल इज लेस देन वाई आर, तो क्या करना है, रिटेन राइट इंटरवल। तो हमने कहा है, समझने के लिए लिख दिया रिटेन राइट इंटरवल, राइट इंटरवल को हमें रखना है अभी अपने पास और सर्च करने के लिए। तो एक्सेल को हम क्या करेंगे, ए बना देंगे, एक्सेल इज इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। ये हो गया एक्सेल इक्वल टू ए, और फिर हम रिटर्न कर जाएंगे, फिर यहाँ पे फंक्शन की बॉडी क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से हम रिड्यूस फंक्शन को सेकंड सेकंड फाइल में एक्सप्लेन कर देंगे। अब आती है बात थर्ड फाइल की, तो थर्ड फाइल में हम क्या रखेंगे, यहाँ हमने लिखा थर्ड फाइल, थर्ड फाइल में आप क्या कीजिए, इवेल्युएट द फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, हम यहां लिखते हैं इवेल्युएट द फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, इस फंक्शन को इवेलुएट करना है। अब हमने क्या किया, इंक्लूड मैथ डॉट एच फिर एक्सटर्न डबल फंक्शन का नाम लिखा कर्व, और इसका आर्गुमेंट हो गया डबल और एक्स, ठीक है। अब फंक्शन में आपको करना क्या है, आपको सिंपली रिटर्न करना है क्या चीज, एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि हमने मैथ डॉट एच फाइल हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। ये हो गया आपका, और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी क्लोज हो जाएगी। अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका एक्सटर्नल फंक्शन डेफिनेशन हो गया। ये जो हमने डिफाइन किया है, ये लाइन हो गई एक्सटर्नल फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अब आप इसमें देखिए कि तीनों फाइलों में ये चीजें स्टोर हो गई। द एक्सटर्नल फंक्शन रिड्यूस विच इज डिफाइंड इन द सेकेंड फाइल इज डिक्लेयर्ड इन द फर्स्ट फाइल, देयरफॉर इट्स स्कोप इज द फर्स्ट टू फाइल्स। सिमिलरली द एक्सटर्नल फंक्शन कर्व विच इज डिफाइंड इन द थर्ड फाइल इज डिक्लेयर्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड फाइल्स, हेंस इट्स स्कोप इज द एंटायर प्रोग्राम। मतलब अब इसमें क्या बता रहा है कि अब आप ये देखिए, प्रोग्राम तो यहाँ एंड हो गया, कि जो रिड्यूस फंक्शन है उसका जो स्कोप है वो फर्स्ट फाइल में है और सेकेंड फाइल में है,
जबकि जो कर्व जो है, ये जो फंक्शन है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फाइलों में इसका स्कोप है, यानी एंटायर द प्रोग्राम। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर एक्सटर्न अपीयर्स इन बोथ द फंक्शन डेफिनेशंस एंड द फंक्शन प्रोटोटाइप्स। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल वेरिएबल हमने ए बी एक्स एल वाई एल एक्स आर वाई आर और सी एन एस टी डिफाइन किए हैं पहली फाइल में, उसमें आप ये चीज देखिए कि हमने क्या किया है, सी एन एस टी को एक इनिशियल वैल्यू असाइन की है डेफिनेशन के टाइम में ही, एंड दीज वेरिएबल्स आर यूटिलाइज्ड एंड हेंस डिक्लेयर्ड इन द सेकेंड फाइल बट नॉट इन द थर्ड फाइल। द वेरिएबल डिक्लेरेशन इन द सेकेंड फाइल इंक्लूड्स द स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर एक्सटर्न, बट द वेरिएबल डेफिनेशन इन द फर्स्ट फाइल डज नॉट इंक्लूड ए स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर। इसका मतलब क्या हुआ कि द इंक्लूड मेट डॉट एच स्टेटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड फाइल, दिस स्टेटमेंट कॉजेज द हेडर फाइल मेट डॉट एच टू बी इंड्यूस्ड इन द थर्ड सोर्स फाइल इन सपोर्ट ऑफ कॉस लाइब्रेरी फंक्शन। ये तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ऑलरेडी आप इस प्रोग्राम को सिंगल फाइल प्रोग्राम बना चुके हैं, एग्जीक्यूट कराएंगे तो सेम आपको आउटपुट रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज करके मल्टी फाइल प्रोग्राम बना सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है या कुछ और टॉपिक पे आप प्रोग्राम चाहते हो तो वो भी मेंशन कीजिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।